अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे मेरे बहन भाई? सब ठीक है, अल्लाह का करम है जी, हम भी ठीक है। और ये जी मेरी बेबी डॉल, मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी आई हुई है। गुड़िया रानी घर आई हुई है। बाय करो गुड़िया रानी, बाय करो, बाय करो। ओह यस। तो गाइस आज हम आपको बताते हैं कि आज हम क्या खाना बनाने लगे हैं। जी, तो बेगम आज आप बताएं, फिर आप ही बताएं। जी बिल्कुल, मैं बहन भाइयों को बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ खाने में। चिकन और कचनार मैं आज बनाने लगी हूँ। जी जी। और साथ ये मसाला है, प्याज है, धनिया है, चिली है, और अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक और दड़ा मिर्च, और ये साथ गरम मसाला। ओके जी, इसका मतलब आज चिकन और कचनार बनने लगी। माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी डिश है, जबरदस्त किस्म की। काफी टाइम हो गया। जी जी। और खाना हम तो करें। बेबी आप पोइम सुनाओ, प्यारी सी सुनाओ, प्यारी सी, प्यारी सी। पापा, ओह वाओ, वंडरफुल। और शाम को बाय कर दो, बाय कर दो पापा को, बाय कर दो, पारी भी कर दो पापा को, और गाइस को भी पारी कर दो, गाइस को भी पारी कर दो, गाइस को भी ऐसे। जी जी, गर्म हो चुका है और मैं डालने लगी प्याज। प्याज बेगम, आपका मुर्गा बहुत बोलता है यार। बटी साहब, थोड़ा मुर्गे ने सानू अगे लाया, साड़िया नाल लत्तां तो गोटियां भी तोड़दा है, नाल ड्रामे करदा है। अच्छा, लत्ता दी बोटिया भी खाना ना? हाँ जी, तो मैं तो सोच रही हूँ थोड़ी तबीयत भी खराब रही है, तो तुम इंदा सूप बना के नहीं नहीं सूप भी बना ला। चलो मैंने, और बेगम शाम भी हो रही है, अब अंधेरा होने वाला है, मगरिब का अज़ान होने वाली है, बस जल्दी से मैं तैयार कर रही हूँ। हाँ बस जल्दी जल्दी कर लें आप। कचनार बिल्कुल छोटी छोटी थी और वो उसे तोड़ने में काफी टाइम। जी जी गाइस, ये कचनार है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आज ही कचनार बनेगी, और ये तो मेरी फेवरेट डिश है वैसे भी, हम सब की, हम सब की। आज मेरे बहन भाइयों को बताऊं, आज जी मेरी बहू घर में आई हुई है, और साथ मेरी पोती प्यारी प्यारी बेबी डॉल, और मैं खाना जी बना रही हूँ, और साथ अपनी बहू को बताती भी हूँ कैसे ये कचनार और चिकन बनना है। ओके जी, ओके। अभी वो बेबी को सुलाने गई है, बेबी तंग कर रही थी, तो अभी आती है फिर। ये मैं ऐड करने लगी हूँ जी इसमें। जी जी। और इसे मैं लाइट ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन करेंगे, उसके बाद हम दूसरी चीजें ऐड करेंगे। जी तो बेगम। हाँ जी जी, ये मेरी बहू रानी है। जी 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 है। क्या हाल है गाइस आपका? माशाल्लाह मेरी मैं बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट है, बहुत ही स्वीट है, इसी तरीके की चीजें बहुत कम है, और इतने मजे मजे के खाने बनाती है। नहीं कर रही हूं मैं, मेरे क्लास से भी कहती हूँ कि मम्मा बहुत अच्छी है, पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फैमिली मिली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मजे का खाना बनाती है मम्मा। दिल करता है कि बस दो तीन रोटियाँ खा भी लेना, 15 किलो फूक रखे उनके हाथ में तेज बहुत माशाल्लाह से है, मेरा स्कूल का भी उनका खाना बहुत पसंद आता है, वैसे किसी माँ के हाथ में बहुत लज्जत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, उनके खाने में प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुश होता है। और खाना तो हम देसी तरीके से ही बहन भाइयों को पता है बनाते हैं। जी जी। घर वाले हस्बैंड को भी पसंद आता है, हमारे बच्चों को भी पसंद आता है, तो कोशिश करते हैं अच्छा अच्छा बनाए हम, अच्छा अच्छा बच्चों को खिलाएं खाना। ये हमें कमेंट किया है बहन ने या भाई ने, मुझे अभी पता नहीं, बच्चे साहब ने वैसे सुनाया मुझे पढ़ के, वो कहते हैं कि जी आप खाना जी इतना ज़्यादा, दो बंदे आप घर में इतना ज़्यादा खाना आप क्यों बनाते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगी, माशाल्लाह हम मियाँ बीवी खुद हैं और साथ हमारे चार बच्चे भी हैं, और माशाल्लाह जवान है, यंग है वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
और माशाल्लाह सारे जवान है तो वो फिर खाना तो इतना ही बनना है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। और बड़े 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 बेटे की तो शादी भी माशाल्लाह हुई हुई है ना, ये उसकी वाइफ है, बड़े लाडले बेटे की। चले छोटे बच्चे भी लाडले होते हैं और बड़े भी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चल अब आप फटाफट करके बनाएं, इसलिए अब भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है और अब रात भी हो रही है। और ये मैं अब ऐड करने लगी हूँ टमाटर। चिकन तो ब्राउन आपने कर लिया है ना? चिकन भी और वो अदरक लहसुन का पेस्ट को भी। ओके। लाइट ब्राउन किया दोनों चीजों को। बड़ा मेरा चौर पीसी हुई मेरा चर और साथ ही हल्दी, इनको भी गरम मसाला और ये सब मेरे से साथ ही ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करेंगे अच्छी तरह मिक्सों को भी बोल लें। आज नहरीन को भी वीडियो में लेकर आए। हाँ जी नहरीन को भी। अच्छा जी बहरीन, वो बहरीन किधर चली गई है? बहरीन किधर चले गए हो आप? सीट पर और कोई आ गई है? सीट चेंज हो गई है? अच्छा मेरीन आ गई है। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरीन आपको फिर भूख ज्यादा लगी है यार? बहुत भूख लगी हुई है। अच्छा जी इंतजार करिए इसका, मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। ओह माय गॉड, किचनार खानी थी, किचनार गोश्त का। अच्छा राजनी आपने खाए थे सुबह? नहीं चले बनाए बनाए फिर जबरदस्त किस्म का बनाए फिर अच्छी तरह भूनेंगे हम। और उसके बाद थोड़ा सा गलाने का पानी ऐड कर देंगे जी जी चिकन को, उसके बाद हम कचनार ऐड करेंगे। चले ठीक है जबरदस्त हो जाएगा। जी तो ये भून लिया आपने इसको अच्छी तरह? जी मैंने अच्छी तरह भून ली है और ये मैं थोड़ा सा गलाने के लिए पानी डालने लगी, उसके बाद कचनार डालूंगी। अच्छा पहले आप यानी कि चिकन को गलाएंगी है ना? हाँ जी चिकन। कचनार तो जल्दी हो जाती है? हाँ जी वो जल्दी हो जाएगी। चले ठीक हो, थोड़ा सा ही पानी ऐड किया, बाकी तो उसमें भी गल जाएगा ना। जी जी कचनार दे दिया इस पर जी, और आग थोड़ी सी कम कर देंगे गलाने के लिए। अच्छा जी हाँ जी। और अब ये जल्दी से तैयार हो जाएगा खाना, और मेरे बहन भाई बताएंगे, साथ भट्टी साहब भी बताएंगे और बच्चे लग बच्चे भी बताएंगे कि कैसा बना है खाना। बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है। चले माशाल्लाह जी ठीक हो गया फिर तो जबरदस्त हो गया। और अपने बहन भाइयों से ये भी कहे ना कि वीडियो को स्किप नहीं करना। हाँ जी आप भी कह देना। मैं तो रोज ही बहन भाइयों को कहती हूँ बहन भाइयों हमारी वीडियो पूरी देखा करें और स्किप ना किया करें हमारी वीडियो। जी जी बिल्कुल। और जो नए बहन भाई हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल। और लाइक शाइक भी कर देता करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी लाइक शाइक भी किता करो, कमेंट भी किता करो। चंगा जी बात करनी थी आप लोगों में से काफी लोगों ने बहुत बैड कमेंट्स पास किए हैं जो कि अच्छी बात नहीं है कि आप दिखावा कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, बहुत बुरी बात है। हदीस शरीफ है कि इन्नमल ईमानु बिन्नियात, अमलों का दारमदार नियतों पर है। अगर वो कोई अमल करते हैं, कोई काम करते हैं तो उसकी नियत, उसका दिल का हाल आप नहीं जानते, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अगर आप किसी इंसान को इनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज करने का भी आपको खत्म नहीं पहुंचता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे अच्छे कमेंट करें, अदरवाइज आप हमारे चैनल को ना देखें, ना कोई कमेंट करें। अगर आपका दिल नहीं करता तो ना देखें, लेकिन बैड कमेंट करना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। हमारी बिटिया रानी कह रही है जी बैड कमेंट करना बहुत बुरी बात है,
और प्लीज आप हमें कोई बंदा बैड कमेंट ना करे, क्योंकि इस्लामिक यानी कि वो जो करती हम लोग जो कर रहे हैं, मोम कर रही हैं या डैड कर रहे हैं, उनका जो अमल है वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, आप तो नहीं ना जानते। आप कहते दिखावा कर रहे हो, मम्मा कब्र पे रो रही थी, इनकी माँ है, माँ का माँ के लिए कौन ही रोता, माँ का नाम सुनते ही साथ ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मम्मा खो तो ही और आपने कहा ड्रामे कर रही है, ये कर रही वो कर रही है, ऐसी इतनी बुरी इतनी बैड आपने कमेंट किया जो कि बिल्कुल भी नहीं सही था। एक तो उनकी दिल आजारी हुई, दूसरा आपने भी गुनाह कमाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अगर आप किसी को इनकरेज नहीं कर सकते, डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए किसी की, किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दिल दुखाना बहुत बुरी बात होती है। सही बात है जी, सही बात है। वैसे तो हमारे सारे बहन भाई हैं, कोई शैतानियां भी कर लेते हैं, शैतानियां ना किता करो, ना किता करो, साडे बहन भरा दिलो भैन भरा बनिया करो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दुखाने वालों को पसंद नहीं करता है अल्लाह ताला, तो उस लोग उस बंदे को पसंद करता है जो दूसरों को खुश करता है, अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों के लिए जीना ही असल में लाइफ है। अपने लिए जीना लाइफ नहीं होता, अगर दूसरों के लिए कुछ करोगे, नेक अमल करोगे, कुछ काम करोगे, तो उसके लिए जीना, उसके लिए किसी इंसान के लिए कुछ करना एक नेक अमल है, एक सदका जारिया है, और अल्लाह ताला भी इसका अजर देता है, एक नेक काम है। बिल्कुल सही बात है, सही बात। थैंक यू माजबीन बेटा, थैंक यू वेरी मच। और माशाल्लाह मेरी बहू रानी मेरी बेटी भी है, ये मेरी बेटी ने माशाल्लाह जी इस्लामी स्टडी की हुई है, तो एमफिल माशाल्लाह किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और आप इस्लामी स्टडी की है ना? मैंने एम इस्लामिक किया है, सॉरी एमफिल इस्लामिक स्टडीज में किया है, मैंने हाफिज़ुल कुरान से, जी जी। आपको पता भी होगा, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, ताहुल कादरी का मदरसा है बहुत बड़ा, जैसे मैंने पीएचडी भी करनी है, लेकिन पीएचडी मेरी करने का इरादा है कि मैं बाहर सऊदीया से करूँ या किसी बाहर कंट्री से करूँ, किसी में इंशाल्लाह जरूर करूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाद लोग कहते हैं कि आपकी बहू आपके साथ क्यों नहीं रहती, एक्चुअली हमारा घर नहीं है, रेंट पे रहते हैं हम, तो इस वजह से हमारा घर बन जाएगा तो मैं इंशाल्लाह मोहम्मद के साथ रहूंगी। हम सब इकट्ठे रहेंगे, हम सब एक साथ है और एक साथ ही रहेंगे हमेशा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये बड़ी साहब मैं इसमें ऐड करने लगी, अचनार ऐड करने लगी, चले माशाल्लाह। ये तो आपने गोश्त गला लिया मेरा ख्याल है ना? गोश्त गला लिया, अच्छी तरह भून लिया गोश्त को, और अब मैं इसमें अचनार ऐड कर दी है मैंने, जी जी बिल्कुल, अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। और थोड़ा सा हम पानी इसमें डालेंगे और फिर इसे दम पर रख देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई जीता लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असल में सही, असल में लाइफ होती है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक शेर सुनाती हूं आप लोगों को, जी जी। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थे क्रोबिया, क्रोबिया कहते हैं फरिश्तों को, यानी कि इंसान को एक दूसरे इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया है, एक दूसरे का दर्द बताने के लिए पैदा किया है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, या एक दूसरे को दुख देने के लिए, या तकलीफ देने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है। अल्लाह ताला अपने माल तो माफ कर देंगे, नमाज रोजा ज़कात अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर फरमा देंगे, लेकिन अगर अपने किसी इंसान का दिल दुखाया, किसी इंसान से ज्यादती की है, तो तब तक माफ नहीं होगा जब तक वो इंसान आपको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेटा ऐसा ही है, बिल्कुल सही है आपने कहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी, अब आपने जनाब कोई बात बतानी है तो सर मैं हाजिर हूँ, कर दावेदार जनाब। मैंने जनाब वो कचनार ऐड, अच्छा आपकी कचनार ऐड हो गई है, ओके ओके ओके। इधर इस्लामी बातें हो रही है और इधर जी खाना भी साथ, बिल्कुल जी, ये खाना बनाना भी सुन्नत है ना जी, ये भी तो काम सुन्नत है, खाना सुन्नत है, सोना सुन्नत, सुन्नत सोना भी इबादत है, खाना भी इबादत है, और कोई काम करना चाहिए कि हर चीज में इबादत रखती है, लेकिन टाइम टेबल के हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए, ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, हर चीज को लिमिट में रख के हर काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है जी। तो गाइस ये मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी है, ये आज मेरे साथ, मैंने कहा जो महरीन बेटा आप मेरे साथ ब्लॉग में आओ, तो आप महरीन बेटा आप स्पोर्ट्स करते हो, साथ स्टडी भी करते हो जी, तो आप बताएं कुछ क्या कहते हैं अपने बारे में भी और बच्चों को भी कुछ बताएं जी। मेरा नाम महरीन है और मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ,
मैंने एशियन वर्चुअल चैंपियनशिप भी खेली है और वर्ल्ड वर्चुअल चैंपियनशिप भी खेली है। इन दोनों में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो मैं यूनिवर्सिटी की लड़कियों को भी सिखाती हूँ, मैं कोच भी हूँ, प्लेयर भी और कोच भी हूँ। तो जब अभी नेशनल आने वाली है हमारी नेशनल गेम्स मार्च में, वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस करूँगी। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी गोल्ड लेके आऊँगी। मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो इस वजह से मैं कोचिंग भी करवाती हूँ लड़कियों को। तो आगे माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है जी जी, तो वहाँ भी कुछ लड़कियाँ मोटी घर में रह के मोटी हो जाती है, हेल्दी हो जाती हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करती, तो सिर्फ खा लिया, सो लिया, बस ये स्टडी कर ली, बस ये तीन चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं, हमें किसी ना किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहिए जिससे बंदा हेल्दी रहता है और एक्टिव रहता है। या कुछ भी कर ले, अगर आप बकायदा अदारे में नहीं एडमिशन ले सकते तो आप घर में ही क्रिकेट खेल ले, फुटबॉल खेल ले, या कोई वॉक कर लिया करे, यही काफ़ी है लड़कियों के लिए। जी। तो अगर आप पापा की वीडियो पे कमेंट करेंगे कि मैं आपको सिखाया करूं, गाइड कर दिया करूं फिटनेस के बारे में, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रोज़ वीडियो बना दिया करूंगी पापा के चैनल पे ही। तो आप कमेंट में बताना कि आपको बताऊं या ना बताऊं अगली वीडियो में। जी बिल्कुल। तो आप बताएंगी तो अच्छी बात है ना, हमारी जो प्यारी प्यारी गुड़िया रानी जो घर में रहती हैं, बच्ची हैं और उन्हें शौक़ भी है कुछ एक्सरसाइज करने का, तो आप उन्हें कुछ थोड़ी सी तो गाइडेंस दे देंगी ना कि आप घर में ऐसे कर लिया करें, ये पेट की बैली जिसे इसको क्या कहते हैं, बैली कहते हैं जी बैली की गेम कैसे करनी है इसको कम करने के लिए, या फिट कैसे होना है। बिल्कुल, तो पहले तो फिटनेस पे आएंगे, वो तो बकायदा करवा क्लब जाया करूंगी इंशाल्लाह। जी क्लब में मैं क्लब में ले जाया करूंगी। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अपना क्लब भी दिखा दूंगी, तो उधर भी वीडियो बना लिया करूंगी मैं आपके लिए। तो फिटनेस के बारे में जो बॉक्सिंग वगैरह करके दिखा दी, क्योंकि बॉक्सिंग तो नहीं ना बकायदा तरीके से आप सीख सकते, वो तो क्लब में जाके ही आप सीख सकते हैं। तो फिटनेस के बारे में मैं बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी बेटा, थैंक यू वेरी मच जी। तो गाइज, तो मेरी गुड़िया रानी कह रही है कि आपको हम फिटनेस के बारे में बताएंगे, तो इंशाल्लाह आप हमें ज़रूर कॉमेंट करिएगा जिस बच्ची ने भी अपने आप को फिट करना हो तो वो फिर आप कमेंट करिएगा, तो वो फिर आपको बताएगी इंशाल्लाह ताला कि गेम किस तरीके से करनी है कि जिससे इंसान फिट रहे। हाँ जी, तो गाइस बहन भाइयों, दम पर मैंने 15-20 मिनट के लिए रखा है इसे। जी थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया आपने। जी, पानी थोड़ा सा, आधा कप मैंने पानी का ऐड किया है इसमें। जी। और अब माशाल्लाह ये गल चुका, और भून भी मैंने इसे लिया है, और बहुत जी बताए अब बटी साहब, मैं अपने मुंह चो मियां मिठू नहीं बनना। जी बिल्कुल। और ये देखें जी, ये गल भी चुकी है और भून भी लिया मैंने इसे। रेडी है खाना? जी रेडी, सालन तैयार है, सालन तैयार हो चुका। गाइस ये देखें, बहुत जबरदस्त टेस्टी लजीज। और ये देखें जी, ऑयल निकल आया है, घी निकल आया, भून भून के घी निकल आया, कचनार और चिकन। हाँ जी, और अब मैं धनिया ऐड करने लगी हूँ। मैंने सारे देसी मसाले ही डाले, मैंने कोई और मसाले नहीं इसमें ऐड किए। चले माशाल्लाह। जी, खाना हमारा रेडी हो चुका है। जी, और देंगे अब ढक्कन। तो अब आप रोटी बनाएंगी? हाँ जी, रोटी मैं बनाऊंगी। चले ठीक, रोटी आज माज बहन बनाएगी। अच्छा, माज बहन बनाएगी। हाँ, चले ठीक, बड़ी बेटी बनाएगी रोटी। चले ठीक है, ओके। हाँ जी, तो बहन भाइयों, बच्चियों को भी और बच्चों को भी, और मेरी जो बहने हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगी कि आगे माशाल्लाह रमजान का महीना आ रहा है, बरतों वाला महीना आ रहा है माशाल्लाह, और रोजे भी हम रखेंगे इंशाल्लाह। और जी, वो जो मेरी छोटी बेटी है और मेरी बहू, वो भी बेटी है, और छोटी बेटी जो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स आपको करना बताएगी, कैसे फिटनेस के बारे में सब कुछ वो बताएगी आपको। और जो फिटनेस, अपने आप को फिट रखना, मैं देख ले तो आपको पता है जी, और माशाल्लाह मेरी बहू भी है, बड़ा बेटा भी है, और मेरे बच्चे हैं, जो वो कहते हैं कि अपना मम्मा आप ख्याल रखा करें। बिल्कुल। और मैं फिट हूँ, देख ले मेरी बैली भी ठीक है, एडी मोटी कोई नहीं है, खाना मैं राज्य के खानी है ना, कोई इशू नहीं है, दो रोटियां खा, डाइटिंग भी नहीं कर दी, डाइटिंग मैं कोई नहीं कर दी लेकिन मेरी बेटी कहती सीढ़ियां दौड़ भज, कदी
ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਔਰ ਫਿਟਨੈਸ ਕਾ ਵੋ ਫਿਟਨੈਸ ਮੁਝੇ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਰ ਵੋ ਆਪਕੋ ਇਸਲਾਮੀ ਬਾਤੇਂ ਬਤਾਏਂਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਫੀਲ ਕੀਆ ਹੋਗਾ ਹੈ ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਵੋ ਆਪਕੋ ਹਦੀਸੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵੋ ਆਪਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸਭ ਕੁਛ ਵੋ ਬਤਾਇਆ ਕਰ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਔਰ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਔਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਮਾਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਤੀ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਤੀ ਹੂੰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਮਾਜ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਸੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਖਾਏਂਗੇ ਆਪ ਖਾਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੋ ਗਾਈਸ ਸਾਲਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਯੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਬਣਾਇਆ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਹਨੇ ਯੇ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਥ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਦੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂਗੇ ਗਾਈਸ ਤੋ ਅਬ ਮੈਂ ਖਤਮ ਦੇ ਲੂੰ ਫਿਰ ਅਬ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਮ ਇਸਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਾ ਔਰ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਾ ਖਤਮ ਦੇਣੇ ਲਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਚਨਾਰ ਔਰ ਵੋ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੁਮੇਰਾਤ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕਾ ਖਤਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਮ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਣੇ ਲਗੇ ਖਤਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਅੱਲਾਹੁਮਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਸੱਲੈਤ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਅਲ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਨਕਾ ਹਮੀਦੁ ਮਜੀਦ ਅੱਲਾਹੁਮਮ ਬਾਰਿਕ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਅਲ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਮਾ ਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਅਲਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਅਲ ਆਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਨਨਕਾ ਹਮੀਦੁ ਮਜੀਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਰਖਵਾਰੀ ਮਾਲਿਕ ਯੌਮਿਦੀਨ ਯਾ ਕਨਾ ਬਦ ਯਾ ਕਨਸਤਾਈਨ ਇਹਤਿਰ ਸਰਾਤ ਵ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਰਾਤ ਅਲਜ਼ੀਨ ਅਨਮ ਤਾਲਿਮ ਗੈਰ ਮੌਦੂ ਬਿ ਅਲਮਰ ਦੁਆਲੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੋ ਖਤਮ ਵੀ ਹਮਨੇ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਅਬ ਹਮ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂਗੇ ਇਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੈਸਾ ਬਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੇਗਮ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਆ ਗਏ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਚਲੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੇ ਬੇਗਮ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਆਪ ਵੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਆਏ ਤੋ ਹਮਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਚਨਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਜ਼ ਆਈ ਕਚਨਾਰ ਔਰ ਹਮਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹਾਂ ਕਚਨਾਰ ਔਰ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕੋ ਬਣਾ ये लो आफा अब भी खाओ सालन लगाया है मजे का है खा क्यों खुशक रोटी खाती है ये रोटी खाओ माशाल्लाह गाइस बहुत टेस्टी बना है स्पाइसी और ਸਾਲਨ ਮੇ ਖਟਾਸ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡਾਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਗਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਮਾਜਬੀਨ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਗਾਈਸ ਅਬ ਹਮ ਬਹਿਣ ਭਾਈਓ ਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੇਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਣ ਭਾਈਓ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜਨਾਬ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਔਰ ਜੀ ਬੈਲ ਕਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹਿਣ ਭਾਈਓ ਨੇ ਬੱਚੀਓ ਨੇ ਬੱਚੋ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਏਜ ਕੇ ਉਨ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਨੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਔਰ ਦੁਆ ਮੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼